रहने वाले एक डॉक्टर ने अनोखा ही तरीका अख्तियार किया था। डॉक्टर ने एक अलग ही अंदाज में पुलवामा में शहीद हुए शहीदों को श्रद्धांजलि दी। आज जब भारत ने वह बदला ले लिया, उसके बाद किस तरीके की खुशी डॉक्टर के हृदय में थी, आइए आपको भी दिखाते हैं। इन तस्वीरों को देखिए और इन तस्वीरों को देखने के बाद आपको अंदाजा लग जाएगा कि भारत द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ की गई कार्रवाई पर लोगों में कितना उत्साह है। यह नज़ारे हैं देवी रोड के डॉक्टर अरविंद जनार्दन के घर के। आज डॉक्टर अरविंद जनार्दन के परिवार में एक अजीब सी खुशी दिखाई दी। ऐसा हम इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि मैनप्रीत जनपद में केवल डॉक्टर अरविंद जनार्दन ही एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने सभी शहीदों को अपने परिवार का हिस्सा मानकर शहीदों की शुद्धि के लिए अपने बालों का दान किया था और पूरा अंतिम संस्कार भी किया था। आज सत्यम के मुख्य संपादक विशाल शर्मा ने डॉक्टर अरविंद जनार्दन से जाकर बात की तो क्या कहना था उनका, जरा आप भी सुनिए। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की। आज पूरे देश में और पूरे प्रदेश ही नहीं मैनपुरी जनपद में भी खुशी का माहौल दिखाई दे रहा है, जश्न का माहौल मैनपुरी में दिखाई दे रहा है। हमारे साथ डॉक्टर अरविंद जनार्दन मौजूद हैं। इन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए अपने बालों का दान दिया था। अरविंद जनार्दन जिनसे बात करेंगे कि आज भारत द्वारा की गई इस कार्रवाई पर उनको किस तरीके का महसूस हो रहा, क्या खुशी उनके मन में चल रही है, आप बताइए। आपने बहुत बड़ा योगदान दिया था और बहुत बड़ा जो बलिदान आपने बाल दान किए थे शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए, आज क्या लग रहा है कि भारत सरकार ने बदला ले लिया? मैं सबसे पहले तो उन शहीदों को नमन, जो हमारे शहीद हुए हैं उनको नमन, उनके परिवार को कहीं अगर लगा होगा कि आज हमारे भारतवर्ष के केवल 12 सैनिकों ने जो रिएक्ट किया है, 12 सैनिक और आधिकारिक रूप से 300 लोगों को मारा है, हमारे 12 सैनिक 300 लोगों को मारते हैं। अगर बुजदिल है पाकिस्तान तो उसने केवल हमारे बैठे हुए सैनिकों को मारा है और उन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि है और राम वकील जी जो हमारे मैनपुरी के विनायकपुर के हैं उनके परिवार को सच्ची श्रद्धांजलि है। हमारे सैनिक इतने सक्षम हैं कि एक एक सैनिक अगर हमारा चाहेगा, उन्होंने 40 मारे हैं, 40 लाख की तमन्ना रखता है, आज ये सच्ची श्रद्धांजलि है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, हमारा और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 56 इंच का सीना नहीं 200 इंच का सीना कर दिया है। आज भारतवर्ष के सभी सैनिक और सभी लोग, सभी जनमानस के अंदर इतना आक्रोश है कि आज वो अपनी उसे ऐसा महसूस होगा कि भारत में आज ही 15 अगस्त 26 जनवरी हो गई है। उस उन क्रांतिकारी को भी चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह उन शहीदों को भी याद करते हैं और इन शहीदों की ऐसा नमन कभी हमारा भारतवर्ष करता रहेगा और पाकिस्तान चाहेगा तो ऐसा हर बार उसको दिखाता रहेगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हमारा कितना यहाँ करेगा केवल पिक्चर का टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। हमारे भारतवर्ष के नेता सक्षम है, हमारे भारतवर्ष के सैनिक सक्षम है, क्योंकि पाकिस्तान बहुत छोटा सा हिस्सा है, अदना सा हिस्सा है कि जब चाहेगा तब भारतवर्ष उसको समाप्त कर देगा, जिस दिन चाहेगा उस दिन पाकिस्तान को हिंदुस्तान में मिला देगा, कश्मीर तो छोड़ो वो पाकिस्तान को भी लेने की दम रखता है। ये है हमारा भारत का उन शहीदों के लिए उत्साह दिखाई दे रहा है, लोगों में आज अजीब सी एनर्जी दिखाई दे रही है और सच्ची श्रद्धांजलि भारत सरकार ने उन शहीदों को दी है, जो वाकई में ये कहने के लिए काफी है कि पाकिस्तान अब खुद अपने आप को समझ जाओ।